भोपाल एक पुरानी जगह है। यहाँ पर आपको कई सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ऐसी ही एक 100 साल पुरानी दुकान भोपाल में मौजूद है, जो कि अपने टोस्ट और शीरमाल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह दुकान अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही यहाँ पर सेलिब्रिटी शेफ्स जैसे कि विकास खन्ना आकर यहाँ के शीरमाल को खाते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। तो चलिए बात करके जानते हैं इस दुकान की खासियत के बारे में। नमस्कार, आपका नाम? मोहम्मद यावर। तो ये जो टोस्ट की दुकान है, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? ये हमारे पापा के नाम से प्रसिद्ध है, मोहम्मद यावर नन्ने खां के नाम से, नन्ने भाई टोस्ट कॉर्नर के नाम से। कितनी साल पुरानी है दुकान? ये तो 100 साल, मतलब 135-140 साल हो गए होंगे, क्योंकि ये हमारे परदादा के ज़माने की है। मैं चौथी पीढ़ी हूँ जो हम इस काम को कर रहे हैं। तो ये सारी जो टोस्ट यहाँ पे सब हाथ से बने हुए हैं या फिर मशीनों से? आप मशीन से बनते हैं अब पूरे, पहले हाथ से थे, अब एक ज़माना था जब मशीनरी आ गई, तो उससे अब मशीन से ही बनते हैं पूरे। आपके यहाँ ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ बहुत ही जो फेमस शेफ विकास खन्ना है। जी हाँ, विकास खन्ना आए थे हमारी शॉप पे, वो खास तौर से हमारी शॉप के लिए आए थे यहाँ पर। वो आए थे वैसे सीजन 3 में थे यहाँ पर, लेकिन ये कि वो फिर उन्होंने यहाँ का मालूम करा, अपनी शॉप का पता चला उन्हें कि बहुत पुरानी बेकरी है, तो वो यहाँ पर शीरमाल वगैरह टेस्ट करी उन्होंने, शीरमाल पराठा बागर खानी, तो वो उनको मतलब बहुत यूनिक लगा। मतलब उन्होंने आज तक बता रहे थे कि इंटरव्यू में भी आया था उनके, कि आज तक ये शीरमाल उन्होंने खाई नहीं है हम कहीं पर भी। तो फिर मतलब और कौन कौन आपके यहाँ पे सेलिब्रिटीज में आया हो? इससे पहले वो आए थे अपने एक और जो नाम उनका भूल गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आ चुके हैं बहुत से लोग आ चुके हैं यहाँ पर अपनी शॉप पर। तो इस शॉप पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? टोस्ट है, शीरमाल है, पराठे हैं, और बिस्किट हैं, केक रस हैं, ये सब मिलता है, क्रीम रोल हैं, ये सब मिलता है। क्या आप दर्शकों को इसका एड्रेस बता सकते हैं कहाँ पे है? ये बिल्कुल मेन मार्केट है, इब्राहिमपुरा चौक बाज़ार, ओल्ड जमील होटल के पास। और यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़ क्या है जिसके लिए लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती है? ज़्यादातर शीरमाल और पराठों की ये है।